नमस्कार आप सत श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन थ्रू के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान जोरव श्रीलंका की। भैया इस मुकाबले में, इस पूरी सीरीज में खैर, हमने एक चीज देखी है, लंका का वन साइडेड डोमिनेंस। दोस्तों अगर आप पूरे टूर पे नजर डालेंगे तो जहां जहां बातचीत की होती है लंका का नाम ऊपर नजर आता है और उनका परचम थ्रू आउट द टूर लहरता नजर आया है। अफगानिस्तान से उम्मीद थी कोई ना कोई मुकाबला तो जीतने की कोशिश जरूर करेंगे। ओडीआई टेस्ट ना सही, टी20 में तो अफगानिस्तान का कहीं ना कहीं बोलबाला कहीं ना कहीं रहता है और वो जीतने की दावेदारी पेश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला। सीरीज ऑलरेडी श्रीलंका जीत चुकी है, एक आखिरी मुकाबला बचा हुआ है जो कि 21 फरवरी को बुधवार को शाम 7 बजे से हमें देखने को मिलेगा। मैदान वही है दम्बुल्ला का, रणगिरी दम्बुल्ला इंटरनेशनल स्टेडियम, और एक बार फिर दोनों टीम्स होंगी आमने सामने। बात करते हैं वेन्यू की। सबसे पहले दोस्तों इस ट्रैक पर अभी तक अगर आप नजर डालेंगे तो दो मुकाबले हुए हैं जो कि इसी टी20 सीरीज में खेले गए हैं और दोनों ही मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के नाम रहे हैं। लोएस्ट स्कोर अफगानिस्तान का है 115 रन और हाईएस्ट स्कोर बनाया है श्रीलंका ने 187 रन। बॉलर्स के अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो इन टू मैचेस 34 विकेट चटकाए गए हैं 26 विकेट पेसर्स ने और 8 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यहां पर अभी तक के मैचेस को देखते हुए तो एक चीज नजर आती है कि भैया पहले बल्लेबाजी करेंगे तो मुकाबला जीतेंगे, लेकिन श्रीलंका उम्मीद करते हैं कि अगर सेकेंड बैटिंग करती है तो भी कहीं ना कहीं मुकाबला ले जाने की, अपने नाम करने की कोशिश जरूर करेगी। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या वो मुकाबला जीत सकती है। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हेड टू हेड कंपैरिजन पे फटाफट से नजर डाल लेते हैं। दोस्तों 6 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, 5 मैचेस श्रीलंका ने और मात्र 1 मुकाबला अफगानिस्तान के नाम रहा है, यानी कि अभी तक जो ये जो दूरियां हैं ये अभी भी और बढ़ती नजर आ रही है और अफगानिस्तान के लिए कंसिडरिंग द टी20 वर्ल्ड कप परेशानी जरूर दोस्तों आ रही होगी, उनके लिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे होंगे। हालांकि राशिद खान टीम में मौजूद नहीं है, मुजीबुर रहमान टीम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप एक उन्हें सॉफ्ट कॉर्नर के तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं आप रियायत जरूर बरत सकते हैं उन पर, लेकिन जो अभी तक की सीरीज गई है उसमें बल्लेबाजी भी अफगानिस्तान की कहीं ना कहीं चरमराती नजर आई है। Well, now let's take a look on the probable playing 11 and key players for this upcoming contest. दोस्तों अगर बात करी जाए श्रीलंकन टीम की तो पथुम निशंका, कुशल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, सदीरा समरविक्रमा, चलित हसनंगा, वनिंडो हसनंगा और एंजेलो मैथ्यूज अलॉन्ग विद डसन शनाका, ये डीप बैटिंग लाइनअप हमें श्रीलंका की ओर से मिलता है, जहां पर सेकेंड टी20 इंटरनेशनल में दोनों ओपनर हमारे कहीं ना कहीं रन स्कोर करने की कोशिश करते नजर आए थे। हालांकि धर दबोचा था अफगानिस्तानी बॉलर्स ने, लेकिन मुद्दे की बात है वनिंडो हसनंगा। दोस्तों श्रीलंकन टीम के एक एस ऑलराउंडर जो कि इंजरी से उबर के वापस आए हैं, कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक 2 मैचेस में 89 रन और 3 विकेट चटका चुके हैं। अब यहां पर बल्लेबाजी के लिए आपको मिलते हैं सदीरा समरविक्रमा, अनदर प्रॉमिसिंग बैटर जो कि टॉप ऑर्डर को संभालने की काबिलियत रखते हैं। सेकंड टी20 इंटरनेशनल में इन्होंने 51 रन अपने खाते में जोड़े हैं। वहीं एंजेलो मैथ्यूज की अगर हम बात करें तो सेकंड टी20 इंटरनेशनल में इन्होंने 42 रन बनाए थे और 190 के स्ट्राइक रेट से मेन मुद्दा है, 190 का स्ट्राइक रेट और साथ ही साथ 3 विकेट भी चटका चुके हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो ये हैं वो 3 बल्लेबाज और ऑलराउंडर जिन पर आप कर सकते हैं भरोसा। वहीं अगर हम बात करें एक और पेसर की, दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो दम्बुल्ला का ट्रैक है ये पेसर्स को ज्यादा फायदेमंद साबित होता है और इसी के तहत भैया जो मथीशा पथिराणा है वो टीम के लिए तुरुप का इक्का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 2 मैचेस में 6 विकेट अपने खाते में जोड़ लिए हैं। वहीं अगर हम डसन शनाका की भी बात करें, एज अ फास्ट बॉलर वो 2 मैचेस में 3 विकेट चटका चुके हैं, कंसीडरिंग जो ट्रैक है वो ज्यादा फेवरेबल पेसर्स के लिए हो रहा है। अब ये तो होती है बात श्रीलंकन टीम की और यही है वो खास खिलाड़ी जो कि दोनों मैचेस में कारगर साबित हुए हैं। बारी आती है अफगानिस्तान टीम की, इनका पेस अटैक भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, हालांकि बल्लेबाजी ही एकमात्र ऐसी इनकी कमी है जो हमने हमेशा से देखी है, गेंदबाजी अफगानिस्तान की हमेशा से स्ट्रांग रही है। यहाँ पे अगर आप नजर डालें तो अजमतुल्लाह उमरजाई, फजल अक फरूकी और साथ ही साथ नवीन उल हक तीनों ही कारगर साबित हुए हैं। उमरजाई ने 4 विकेट, फजल अक फरूकी के हाथ भी 4 विकेट लगे हैं, तो वहीं आप अगर नवीन उल हक की बात करेंगे उन्होंने भी 2-3 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। तो ये 3 बॉलर एक बार फिर आप अपने जहन में रख सकते हैं। वहीं बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो इब्राहिम जादरान ने पहले टी20 इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि वो फॉर्म बरकरार रही नहीं। टोटल अगर आप देखेंगे तो इब्राहिम जादरान ने 2 मैचेस में 77 रन बनाए हैं, वहीं करीम जनत ने 2 मैचेस में 48 रन बनाए हैं, 20-25 रन दोनों मैचेस में बनाए थे, कैमियो रोल प्ले किया इन द लोअर ऑर्डर अलोंग विद मोहम्मद नबी जो कि दूसरे मैच में कहीं ना कहीं कारगर साबित होने की कोशिश जरूर कर रहे थे, कहीं ना कहीं रन स्कोर करने की इन्होंने कोशिश करी है बट बड़ा स्कोर में तब्दील करने में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। 2 मैचेस में 36 रन ही इन्होंने बनाए हैं। तो ये दर्शाता है अफगानिस्तान का जो बैटिंग लाइनअप है
है वो किस तरीके से भाई निढाल हो चुका है, किस तरीके से वो अंडर प्रेशर परफॉर्म करता नजर आ रहा है। अब फाइनली दोस्तों एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि श्रीलंकन टीम ने जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट दिस सीरीज या फिर कहें थ्रू आउट द टूर जो अपना विजयी अभियान शुरू किया है उसे वो जीत के साथ ही खत्म करना चाहेंगे। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था क्या अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है तो जीत पाएगी, पहला सवाल। और दूसरा कि क्या इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद, दोनों T20 इंटरनेशनल मैचेस को देखने के बाद, क्या कहीं ना कहीं आपको इस आखिरी मैच में उम्मीद है अफगानिस्तान की जीत की? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय अपने जवाब जरूर शेयर करिएगा। अब दोस्तों एक चीज और, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो पहली दफे CLG पे आ रहे हैं भाई सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूले जिससे आप क्रिकेट की कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें।